एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर सबसे पहले अगर सपोज करो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट ने इसको राइट की तरफ फोर्स लगाई 10 न्यूटन, दूसरे स्टूडेंट ने भी राइट की तरफ ही फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो बोलो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितनी लगी? 20 न्यूटन। कहां? राइट की तरफ। ये बॉक्स कहां जाएगा? टुवर्ड्स राइट। डन। दूसरा क्वेश्चन, ये ब्लॉक पे एक स्टूडेंट ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन और एक ने ऑपोजिट लगाई 2 न्यूटन, तो ये कहां जाएगा? राइट की लेफ्ट, इसकी मूवमेंट राइट होगी और नेट फोर्स क्या होगी? 10 में से 2 माइनस किया तो 8 होगी। मानते हो ये चीज? आपको तो यानी कि कॉमन सेंस ही वेक्टर सॉल्व करना आता है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर। देखो आप कॉमन सेंस से क्या बता रहे हो मुझे, ये कहां जाएगी दो फोर्सेस लगने की बजाय, ये भी बता रहे हो, और कितनी वैल्यू आएगी नेट वो भी बता रहे हो। तो आपको कुछ वेक्टर आता है, लेकिन आपको ये नहीं आता कि अगर वही ब्लॉक है, एक स्टूडेंट फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन, एक लगा रहा है 10 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री, अब बोलो नेट फोर्स क्या लगेगी? वो नहीं आप बता पाएंगे। आप सिर्फ कॉमन सेंस से दो ही केस सॉल्व कर पाते हैं, या तो ये वाला या ये वाला। अगर मैं 30 डिग्री बोलूं आपको आंसर नहीं पता, 60 डिग्री एंगल कर दूं आंसर नहीं पता, डिफरेंट हो जाएगी फोर्स, 45 डिग्री डिफरेंट हो जाएगी, 90 डिग्री डिफरेंट हो जाएगी, हर एंगल पे डिफरेंट होगी, जबकि 20 और 10 में चेंज नहीं करूंगा तब भी डिफरेंट होगी। तो यानी कि आपको वेक्टर्स, ये दो क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर्स की एडिशन नहीं आती, क्योंकि वेक्टर ये तो है नहीं, 20 और 10 ऐड करो तो या तो 30 होगा या फिर 20 होगा, ये तो है नहीं, वो तो स्केलर का काम है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्सेस क्योंकि वेक्टर है, हम नेट वेक्टर निकालने जा रहे हैं, नेट वेक्टर को रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो तो आपके पास कुछ लॉ है, लॉ समझते हो, एक ऐसा रूल जो ब्रेक नहीं हो सकता कभी भी किसी भी हालत में। तो पहला लॉ लगा सकते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है। अगर ये नहीं लगाना, एक और ऑप्शन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लॉ सीखेंगे और लॉ को लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर लॉ लगेगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लॉज, वेक्टर एडिशन के 3 लॉज हैं जो हमने स्टडी करने हैं। आज हम सिर्फ ट्राइंगल लॉ करेंगे, राइट। तो ये एग्जाम्पल है, अगर एक, ये आपने देखा होगा, तो एक पत्थर से, वो गुलेल से हम कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग की फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर है, राइट। पत्थर एकदम खींचो, पत्थर सेंटर से निकलेगा, जबकि फोर्स एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। तो ये कैसे पता लगता है कि फोर्स कहां लगती है, हमें कैसे पता कि सेंटर में लगेगी? ठीक है, कॉमन सेंस कहती है बीच में से जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों भाई? फोर्स एक इधर लग रही है, इधर लग रही है स्ट्रिंग के अंदर, बीच में तो कुछ नहीं लग रहा था, पर फिर भी यहां से सेंटर से जाएगा पत्थर। तो ये देखने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। क्लियर है यहां तक?